to the channel. In this video, we will tell you the trick to memorize 50 words from 5 words. इसका मतलब ये हुआ कि आपको हम जो हैं 5 वर्डों से 50 वर्ड होने की ट्रिक का फोर्थ पार्ट हम लेके आए हैं. अब आप देखना, सामने आपको दिखाई दे रहा है PHIL, फिल. इसका मतलब होता है टू लव, मतलब प्यार करना. और दूसरी बात जो है वो CIDE, दूसरा इसका मतलब टू किल, हत्या करना. इसमें से कम बहुत सारे वर्ड बनाएंगे. देखते हैं, आइए वाइट बोर्ड पे देखते हैं कि पहला जो है, पहला वर्ड हमारा कौन सा है. पहला वर्ड हमारा है PHILOTHEIST. इसको हम कहते हैं एथिस्टिंग. एथिस्ट में से आप जानते हो जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो. इसका मतलब कहते हैं हम ईश्वर या गॉड से, गॉड से. इसका मतलब होता है से, मतलब प्यार करने वाला, मतलब जो गॉड से प्यार करता हो उसे हम एथिस्ट कहते हैं. एथिस्ट जो है उसको कहते हैं जो गॉड से प्यार करने वाला हो. जो सभी जिन्हें हम गॉड से प्यार करते हैं तो उनको हम कहते हैं एथिस्ट. दूसरे देख लेते हैं इंग्लिश में, दूसरा वर्ड क्या बनता है हमारा फ्लो टेक्निक. आप देख रहे हैं फ्लो से ही कई सारे हम वर्ड आपको बनाना सिखाएंगे. फ्लो टेक्निक, इसका मतलब होता है तकनीक से प्यार करने वाला. मतलब फ्लो टेक्निक का मतलब होता है तकनीक से प्यार करने वाला. जैसे आप और हम मोबाइल से बहुत प्रेम करते हैं, और जितने टेक्नोलॉजी जो है, नई नई टेक्नोलॉजी को हम मानते हैं, तो हम क्या हैं, हम जो हैं इसमें फ्लो टेक्निक हैं. हम तो मोबाइल से प्रेम करते हैं और कई सारे इनसे संबंधित जो टेक्निक चीज़ें होती हैं उनसे प्यार करते हैं. तो हम सबको जो है फ्लो टेक्निक कहा जाएगा, टेक्निक से यूज़ करने वाला. अगला देख लेते हैं हम फ्लो म्यूज़ का मतलब होता है कविता. फ्लो म्यूज़ का मतलब होता है कविता. कविता को इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री. पोएट्री से मतलब आप समझ रहे हैं कि कविता मतलब पोएट्री से. जो ज़्यादातर लोग जो होते हैं कविता मतलब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कविता को. पोएट्री जो होती है तो मतलब कविता, पोयम जो होती है उसे पोएट्री वर्ड बना है. तो हम उस चीज़ को कहते हैं फ्लो म्यूज़, मतलब जो कविता से प्यार करने, जो पोएट्री से प्रेम करता उसे हम कहते हैं फ्लो म्यूज़. तो आप देख रहे हैं ना वाइट बोर्ड पे कि ये जो है हम जो फ्लो जो है फ्लो वर्ड से कई सारे वर्ड हम बनाना सीखेंगे. और एक एग्जांपल जो है और देख लेते हैं हम, ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कैनोफ्लिस्ट. कैनोफ्लिस्ट होता है कुत्तों से. आपने देखा होगा कुछों को बहुत ज़्यादा कुत्तों से प्यार होता है, और सबके घर में पलते भी, जो बड़े लोग होते हैं उनके घर में जो है कुत्ते पलते हैं, तो उसको हम जो है कैनोफिस्ट कह सकते हैं. जैसा कि आप यदि सलमान खान के फ़ैन होंगे तो उनको भी बहुत डॉग्स से ज़्यादा लवर हैं, लवर ऑफ डॉग्स. ऐसे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कुत्तों से प्यार है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं. तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो वो है, यानी मतलब इससे हम जो है कई सारे वर्ड बना सकते हैं. इसके अलावा भी आप कई सारे वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने देखा फ्लोगिस्ट कहते हैं औरतों से ज़्यादा प्यार करने वाला. जो औरतों से ज़्यादा प्यार करता है उसे फ्लोगिस्ट कहते हैं. इसके बाद जैसे फ्लो मैथ्स भी होता है. फ्लो मैथ्स का मतलब होता है जो मैथमेटिक्स से ज़्यादा प्रेम करता हो उसको हम सीखने से मतलब होता है मैथ्स से जो सीखी जाती है उसको हम कहते हैं फ्लो मैथिस्ट है. तो ऐसे ही कई सारे वर्ड जो हैं इसमें मतलब आ जाते हैं, है ना. एक होता है फ्लो जॉइक कहते हैं जानवरों से प्यार करने वाले, जो जानवरों से ज़्यादातर प्रेम करते हैं. इसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं फ्लो थ्रोनेस्टी भी, तो इसका मतलब होता है मानवता से प्रेम करने वाला है, मतलब ह्यूमनू. तो कहने का तात्पर्य यह है इसी से ही हम कई सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और आपको पता है अब जो है हमने आपको 5 वर्ड से 50 वर्ड बनाने की ट्रिक बताई थी. अब जो है हम देख लेते हैं पाँचवीं ट्रिक जो है वो हम साइट से बनाएंगे, CIDE. तो देख लेते हैं हम ये पाँचवीं ट्रिक जो है वो क्या है. पाँचवीं ट्रिक जो है हमारी, इसको हम कहते हैं डोमिनी साइड.
डोमिनेंट साइड कहते हैं टीचर, टीचर टीचर की, अब आप आगे समझ रहे होंगे डोमिनेंट साइड मतलब होता है टीचर की हत्या करना। इसका मतलब ये वर्ड आपको अप्लाई नहीं करना है कहीं पर भी, किसी टीचर के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब होता है डोमिनेंट साइड। केवल हम आपको इसी मीनिंग से कई सारे अर्थ बता रहे हैं निकालना, इसका मतलब कोई गलत सेंस नहीं, डैट इज ए रॉन्ग यानी नॉट फीलिंग, मतलब कोई इसकी जो गलत फीलिंग नहीं है इसका, जो हम केवल आपको साइड से जितने वर्ड बनते हैं साइड आपको मीनिंग आपको याद रखना है और उसी से ही हम कई सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पे कि अगला जो वर्ड हमारा है वो है जेनोसाइड, अगला वर्ड हमारा है जेनोसाइड। तो जेनोसाइड आप देख रहे हैं कि जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जो नस्ल की, मतलब नस्ल की हत्या कर देना, मतलब क्या पूरी नस्ल ही ख़त्म कर देना, मतलब जनरेशन को ख़त्म करना, किसी चीज़ की हम जनरेशन ख़त्म कर देते हैं उसे हम कहते हैं जेनोसाइड। तो हम जो है पूरी पूरी नस्ल ख़त्म हो जाती है। जो हमारा जो है अगला देख लेते हैं, जो है अगला जो वर्ड है वो है मेटिसाइड। तो मेरिटिटिस साइड जो होता है इसका मतलब होता है पति की हत्या, पति की हत्या करना। तो मतलब इसका मतलब ये भी आपको वर्ड यूज़ नहीं करना, अप्लाई नहीं करना किसी पे। इसका हम केवल ये सिखा रहे हैं कि सी आई डी ई साइड, इन चीज़ों से ही हमें केवल आपको केवल ये दो वर्ड याद रखने, चार वर्ड रखने, जी ई एन ओ, जेनोसाइड मतलब होता है नस्ल की, पूरी नस्ल ही समाप्त कर देना, मतलब जनरेशन ख़त्म कर देना। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आखिरी बार ये जो है आखिरी देख लेते हैं, सॉरी इसके है ना, इसके बाद हम देख लेते हैं ये जो वर्ड है जर्मसाइड, जी ई आर एम, जर्म कहते हैं कीटाणु, आप देखते हैं जर्म्स की, जर्म मतलब होता है कीटाणु, कीटाणु की हत्या करना, मतलब इसको मतलब होते हैं हमारे कीटाणु जो है कीटाणु की और साइड मतलब होता है हत्या करना, मतलब कीटाणुओं को मारना है ना, तो कीटाणुओं को मारना मतलब जर्म साइड। तो आप देख रहे हैं कि हम जो हैं केवल एक ही तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, केवल साइड तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, साइड, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपसे कुछ भी चीज़ कह देंगे कि आपसे कोई एक वर्ड दे देंगे आपको और एक सेंटेंस दे देंगे आपको, एक वर्ड दे देंगे ये वाला, चार वर्ड देगा और टिक लगवाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना कीटाणुओं की हत्या, जर्म इस होता कीटाणु। तो आप देख रहे हैं कि अगला वर्ड जो है वो है फैटिसाइड, फैटिसाइड कहते हैं भ्रूण, भ्रूण की हत्या, मतलब भ्रूण कहते हैं जो गर्भ में पल्ले जो बच्चे होते हैं वो बहुत से ख़त्म कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैटिसाइड। इसको वर्ड भी हमें अप्लाई नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं हम केवल आपको ये समझा रहे हैं, केवल ये समझा रहे हैं हम सी आई डी साइड से हम और कितने वर्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें केवल टू के लिए याद रखना है और टू लव याद रखना, इसी से ही हम कई सारे वर्ड हम जो है मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हम जो है कि ये जो है कि हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है कई सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। साइड तो और सारे वर्ड बन सकते हैं, मतलब मैट्रिक साइड भी बन सकता है एक वर्ड, मैट्रिक साइड माता की है ना, मैट्रिक में तो होता है मामा, तो है ना, तो इसके मतलब कई सारे वर्ड होते हैं। इसके बाद सरपेंट साइड भी कर सकते हैं, सरपेंट साइड, सरपेंट आप जानते हो, सरपेंट जो होता है सांप की हत्या करना, तो सरपेंट भी बन सकता है। एक होता है इन्फेंट साइड, इन्फेंट साइड की हत्या मतलब शिशु की हत्या, जो 12 वर्ष से कम वर्ष के लड़के होते हैं, शिशु होते हैं, गर्ल्स या बॉय कोई भी एक्स वाई जेड, तो हम जो है इन्फेंट साइड भी कर सकते हैं। इसके बाद एम्बिसाइड भी हो सकता है, एम्बिसाइड मतलब दोस्त की हत्या। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने थंबनेल में बताया है, हम आपको केवल 5 वर्ड बताएंगे और 5 से ही हम कम से कम 50 से ज़्यादा भी वर्ड बना सकते हैं और हम याद कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इनमें साइड में होता शिशु की हत्या करना, इसके बाद एम्बिसाइड भी होता है मतलब दोस्त की हत्या करना है ना, इसके बाद रेजिसाइड भी होता है मतलब राजा की हत्या करना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें केवल आपको साइड वर्ड याद रखना और साइड से ही कई सारे वर्ड हम जो हैं बना सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आपने देखा कि हमने जो है कि आपको हमने वो चीज़ बताई है।
और मतलब ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई है और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको जो है टू गेट न्यू वीडियोस यू शुड लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज़।